अस्सलाम वालेकुम। चिकन नगेट्स, और वो भी बाजार से? नहीं, आइंदा नहीं खरीदेंगे आप। बनाते हैं इसको किचन इम्पॉसिबल में। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए वो हैं चिकन मेंस, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, एक अंडा, बेकिंग पाउडर, दूध है, चिकन पाउडर है, ऑयल है और ब्रेड क्रम्स। ये फ्रेशली होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। सॉल्ट एंड पेपर टू टेस्ट। मैंने चिकन मिंस लिया है, आप चिकन क्यूब लेके खुद से भी उसका चॉपर में अपने घर में उससे कीमा बना सकते हैं। और ब्रेड क्रम्स आपको ड्राई नहीं लेने, फ्रेश घर में बनाने हैं। आप अपने ब्लेंडर जग में ब्रेड के 2 या 3 पीसेस डालें, आपके पास फ्रेश ब्रेड क्रम्स घर में रेडी हो जाएंगे। उसके बाद मैंने अंडे को थोड़ा फेंटा है और उसके अंदर डाल दिया है। ये सारा मिक्सचर आप अपने अपने घर के चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाथ से मिक्स करी क्योंकि चिकन मिंस था तो मुझे इतनी मुश्किल नहीं हो रही इसमें। अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर ऐड किया है, बेकिंग पाउडर ऐड किया है। ये समझें इस डिश का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा मिक्स करें इसको। और अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स फ्रेश अवेलेबल नहीं है तो आप ब्रेड को दूध में भिगो के, ब्रेड के 2 स्लाइसेस के किनारे उतार लीजिएगा, उसको दूध में भिगो के यूज करें। चिकन पाउडर ऐड किया मैंने, ब्रेड क्रम्स ऐड किए, इसको सॉफ्ट रखेंगे। सॉल्ट मैंने 1 टीस्पून लिया है, आप अपनी चॉइस के मुताबिक ले सकते हैं। लेकिन ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा किसी भी एक फ्लेवर उसके ओवरकम नहीं करना चाहिए, या तो मिर्चों का या फिर सॉल्ट की बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक ग्रीन चिली ली है मैंने इसमें, ये ऑयल है, इसको सॉफ्ट रखेगा, चिकन का कीमा बहुत ड्राई होता है। ग्रीन चिली इसमें फ्लेवर लेके आएगी। ये बिल्कुल भी अगर आप बच्चों को आराम से दे सकते हैं, इसमें इसका तीखापन नहीं लेके आएगी। अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि सारे इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। बाहर से खाते हैं, हमें ये नहीं पता लगता हम अपने लव्ड वंस को क्या दे रहे हैं, क्या खिला रहे हैं। घर में बनाएं साफ सुथरे तरीके से। बिल्कुल भी आपको फ्रोजन चीजें लाने की जरूरत नहीं महसूस होगी। मैंने इस ट्रे को ग्रीस कर लिया है, चाहे तो आप इसको हाथ से शेप दे लें, कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ बच्चों को शौक होता है, एक जैसी जरा दिखती हुई चीज उनको अच्छी लगती है, इसलिए मैंने स्क्वेयर्स काटे हैं। इससे अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया ताकि मुझे उठाने में बाद में आसानी रहे। सारे मिक्सचर को मैं इस ट्रे पे लेके आ रही हूँ। इसको अच्छी तरह से इवनली फैला लें। ये ख्याल रहे कि इसकी सारी जो थिकनेस है वो इवन हो, ताकि जब आप फ्राई करें तो वो इवनली ही फ्राई हो। अगर कोई पतला रह जाएगा तो वो जल्दी ब्राउन कलर पकड़ लेगा, ज़्यादा जल्दी गोल्डन हो जाएगा, तो इसलिए बस इसको इवन रखें। अगर हाथ से बना रहे हैं तो भी कोशिश करें तकरीबन एक जैसे किसी स्पून से मेजर करके अपने हाथ में एक जैसा मिक्सचर उठाएं और उसे उसको शेप दे लें। मैं स्क्वेयर्स कट कर रही हूँ, आप चाहें तो किसी और शेप में भी कट कर सकते हैं, या फिर अगर आप फन नगेट्स बनाना चाहते हैं तो बाजार में उसके कटर्स मिलते हैं, बिस्किट कटर्स मिलते हैं डिफरेंट शेप्स के, स्टार्स है, हार्ट्स बने हुए होते हैं, ट्राइंगल्स होते हैं, तो आप उससे भी इसको शेप दे सकते हैं।
आप इस स्टेज पे जब आप इसको फैला लें ट्रे में, थोड़ी देर इसको फ्रीज कर लें, तकरीबन 20 मिनट्स, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था तो मैंने नहीं किया, तो ये भी थोड़ा सॉफ्ट है। फिर उसके बाद आप काटिएगा तो बहुत ज़्यादा आसानी से कटेगा। और आपको उठाने में भी, ट्रे में से उठाने में भी ज़्यादा इजीली आप उठा सकेंगे, जब अगर वो थोड़े 30 मिनट्स के करीब आप उसको फ्रीज कर देंगे। इस तरह से मैंने सारे नगेट्स को काट लिया। अब इसकी ब्रेडिंग करेंगे। ब्रेडिंग आपको मैंने पहले भी बताया था, फ्लावर, एग और ब्रेड क्रम्स के तीनों को अलग अलग रखा हुआ है। इस प्रोसीजर को ब्रेडिंग कहा जाता है। फ्लावर में कोट किया सबसे पहले, प्लेन फ्लावर है, कोई फ्लेवर नहीं है उसमें। उसके बाद एग मिक्सचर में, एग के साथ 2 चम्मच पानी या फिर दूध ज़रूर ऐड कर लिया करें फेंटते हुए, उसको इजीली कोट हो जाता है आपके कबाब्स पे या फिर नगेट्स पे या किसी भी चीज़ पे, रॉकेट्स पे। क्योंकि मेरे ज़रा मैंने ठंडे नहीं किए, मैंने फ़ौरन से आपको दिखाया तो मुझे थोड़ा सा पकड़ने में मुश्किल हो रही है। जब आप फ्रीज करेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसके ऊपर ये लगाएं ब्रेड क्रम्स। और इसके बाद आप इस तरह से इसको अपने फ्रीजर में भी रख सकते हैं, ट्रे में लगा के फ्रीज कर लें, और जब वो फ्रीज हो जाएं तो इनको एयर टाइट बॉक्स में या फिर जिपर लॉक बैग्स में पोर्शंस बना के आइंदा यूज के लिए रख लें। आप कभी भी ये नगेट्स बनाने के बाद आइंदा कभी भी बाजार से ऑर्डर नहीं करेंगे या बाजार से नहीं लेके आएंगे। मीडियम हीट पे मैंने ऑयल रखा, मीडियम फ्लेम पे। जिनके पास थर्मोमीटर है 160 तक इसका, सेल्सियस तक इसका वो होना चाहिए टेम्परेचर। और अगर आपको वैसे देखना है तो जिस तरह आप पकोड़े या कोई चीज़ तलते हैं उतना ही गर्म ऑयल होना चाहिए। एकदम से गर्म ऑयल में डालेंगे तो ब्रेड क्रम्स जो ऊपर होते हैं वो जल जाते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करें। आप देख रहे होंगे ये किस तरह से फ्लफ अप हो रहे हैं, इस तरह गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो उनको निकाल लीजिएगा और सर्व करें गरम गरम अपने लव्ड वंस को अपने हाथ से बनी हुई चीज। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर हिट करें ताकि मेरी नई रेसिपीज आप तक पहुंचती रहें। और कोई भी क्वेरीज हो आपको रेसिपी के बारे में तो कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछ लिया करें। अपने फेवरेट डिप के साथ सर्व करें। ये देखिए कितना फ्लफी आपको नज़र आ रहा होगा और फुल ऑफ टेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी विद मी।